देखना मित्रों, ये छोटे छोटे पौधे अब बड़े होकर हरे भरे वृक्ष बनेंगे। ये पत्थर कहाँ से आया? ये पत्थर कहाँ से आया और किसने फेंका, मैं भली भांति जानती हूँ। अभी बताती हूँ कान्हा को। कान्हा, तुमने मेरी मटकी फोड़ी? नहीं राजा, मैंने तुम्हारी मटकी नहीं फोड़ी। सच में? तुम तो सदा ही ऐसे कहते हो कान्हा। तुमने ही मेरी मटकी फोड़ी है। मैं तुम्हें माखन खिलाऊं, यशोदा काकी की डांट से बचाऊं, किंतु तुम नहीं सुधरोगे कान्हा कभी। मेरी ही मटकी फोड़ दो, तुम बहुत बुरे हो। राजा सुनो तो। नहीं सुनने मुझे तुम्हारी बातें। इन बातों में बहला फुसला कर मुझे मना लेते हो। राधा, मैंने तुम्हारी मटकी नहीं फोड़ी। मैंने कुछ नहीं किया राधा, तुम्हें अपना आरोप वापस लेना होगा। साथियों, हमारे अश्वों को प्यास लगी है, पहले वे जल पी लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अश्व इस प्रकार क्यों हिनहिना रहे हैं? लगता है आसपास अवश्य कोई संकट है। मुझे बचा लो। हाँ, किंतु कुछ समय पूर्व तो कोई कह रहा था कि उसे मुझसे बात नहीं करनी। यशोदा बहन, यमुना का जल तो पूरी तरह सूख गया। ये कैसे हो सकता है? यमुना का जल तो कभी नहीं सूखता। कान्हा, तुम बहुत अच्छे हो। कान्हा, कान्हा मुझे बचा लो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, किंतु अब तुम अपने नेत्र खोल कर तो देखो। नहीं, मैं तब तक नेत्र नहीं खोलूंगी जब तक चूहे नहीं चले जाते। कान्हा, चूहे चले गए क्या? राधा, कुछ चूहे अभी भी बचे हैं। राधा, नेत्र खोलो राधा, यहाँ चूहे नहीं है।
बहुत बुरे हैं। झूठों की टोली है ये, चलो। कान्हा, लड़कियों को छेड़ने तक तो ठीक था, किंतु सारे चूहे तो वृंदावन की ओर चले गए। अब इन चूहों के कारण हम सबको बहुत कठिनाई उठानी पड़ सकती है। हाँ, किंतु जहाँ समृद्धि होती है चूहे वहीं वास करते हैं, और हो सकता है ये चूहे वृंदावन की समृद्धि देखकर आए हो। कान्हा, इतने सारे चूहों का एक साथ आना मुझे भी किसी संकट का संकेत लग रहा है। हाँ दाऊ, संकट निसंदेह बहुत बड़ा है। एक ओर यमुना का जल सूख गया और दूसरी ओर चूहों ने आतंक मचा के रखा है। शांत हो जाइए, आप सब लोग शांत हो जाइए। चिंतित होने से समस्या का समाधान नहीं होता है, हमें इसकी समीक्षा बैठक करनी होगी। किंतु आर्य, बिना जल के तो हम सबके जीवन संकट में पड़ जाएंगे। बिना जल के रहना एक दिन भी संभव नहीं है नंद जी। साथियों, तब तक के लिए हमें जल के किसी अन्य स्रोत का प्रयोग करना होगा। वृंदावन के अन्य जल स्रोतों में जल बहुत कम है नंद भैया। इस समस्या का एक उपाय है नंद जी, हमारे गांव के बाहर एक कुआं बना है, हम सभी लोग वहां से जल ले सकते हैं। साथियों, जब तक हमारे गांव में जल की समस्या है हम कुएं के जल का उपयोग करेंगे, ठीक है? बहनों, कम से कम कुएं के कारण हम सबकी प्यास तो बुझेगी। चलो थोड़ा थोड़ा जल भर लेते हैं। देखते हैं कि कौन सबसे पूर्व वहां तक पहुंचता है। एक, दो, तीन। मधुमंगल, सुपाल, सुदामा, सभी के सभी भूमि पर गिर गए हैं। मेरा पेट। सुदामा, क्या हुआ मित्र? कान्हा, मुझे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। सुबल, मित्रों, तुम्हें क्या हो गया? सुबल, तुम्हारा मुख लाल क्यों हो गया? मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है मित्रों। मधुमंगल, क्या हुआ मित्र? बहुत पीड़ा हो रही है। दाऊ, हमारे सभी मित्र अस्वस्थ हैं, किंतु क्यों? अभी कुछ समय पूर्व तो सभी ठीक थे। सुदामा, सुदामा, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना मेरे बच्चे, मेरे लाल। सुदामा, तुझे कुछ नहीं होगा। सुदामा, बच्चे, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरे लाल को क्या हुआ है? शांत देवी, शांत। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ।
सब। जी मेरी सुदामा को ठीक कर दीजिए। इस संसार में कोई नहीं है मेरे बच्चे के सिवा मेरा। लो बेटा। घबराइए मत वैद्य जी, इन सभी को क्या हो गया है? इन सबके शरीर में विष फैल गया है, परंतु विष का इतना बुरा प्रभाव मैंने आज तक नहीं देखा। वैद्य जी मेरी सुदामा को ठीक कर दीजिए। इस संसार में कोई नहीं है मेरे बच्चे के सिवा मेरा। लो बेटा। घबराइए मत वैद्य जी, इन सभी को क्या हो गया है? इन सबके शरीर में विष फैल गया है, परंतु विष का इतना बुरा प्रभाव मैंने आज तक नहीं देखा। कि तू एक साथ सभी के शरीर में विष कैसे आ सकता है? या तो इनके भोजन में विष था, या फिर इन्होंने जो जल पिया है उसमें विष था। चिंता की बात तो ये है कि ये विष बहुत ही शक्तिशाली है। इन बालकों को मैंने औषधि दे दी है और इनको भी दे देता हूँ, परंतु इस औषधि का इतने शक्तिशाली विष पर क्या प्रभाव होगा ये तो कल प्रातः काल ही पता चल पाएगा। अब तो सब कुछ श्री हरि पर निर्भर करता है, वो ही इन्हें बचा सकते हैं। कान्हा तुम इन्हें ठीक क्यों नहीं कर देते? नहीं दाऊ, मैं नियति के हाथों विवश हूँ। ना, ये विष आया कहाँ से होगा? जल? कुआ। कुआ। दाओ इसका अर्थ है गांव के बाहर के कुएं का जल विष है। ललिता विशाखा। लो गैया पानी पी लो। ललिता विशाखा रुको। अरे क्या हुआ कान्हा धाव, आप दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? विशाखा तुम इन गैयों को ये जल मत पिलाओ, ये कुएं का जल विषाक्त है, इस जल में विष मिला हुआ है और इस जल को पीकर बहुत से लोगों के प्राण संकट में पड़ चुके हैं। कान्हा दाऊ, अब आप दोनों जल के लिए हजीर की ठोली करने लग गए। जानते हो ना कितनी कठिनाइयों से जल मिला है, अभी गाय को पिला। मेरी गैया। तो गांव की सभी औरतें पानी भर कर ले गई हैं। इसका अर्थ यह है कि मैया और राधा भी उसी कुएं से जल भर कर ला रही है। हाँ कान्हा, राधा और काकी उत्सव में पूरी भी जल लेके निकली हैं। कान्हा अब हमें राधा और मैया को बचाना होगा। हाँ जाओ चलिए।
यशोदा, यशोदा तनिक जल पिलाना। ये लीजिए यार। नहीं मैया बाबा, ये क्या कर रहे हो? इस जल में विष है। क्या बाबा, आपने जल पिया तो नहीं ना? नहीं पुत्र। दाऊ, मैं तो हर जगह हूँ। राधा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अरे रुकिए रुकिए, आप ये जल मत पीजिए, ये जल विषाक्त है। यदि आप सब इसे पिएंगे तो आप सभी के प्राणों पर संकट आ सकता है। नहीं नहीं कान्हा, इस वक्त हंसी टिटोली मत करो। जानते हो कितनी कठिनाइयों से हमें जल मिल रहा है? नहीं नहीं, हम ये जल नहीं फेंक सकते। मैं सत्य कह रहा हूँ, ये जल विषाक्त है, आप सब इसे मत पीजिए। मटकी क्यों फोड़ी तुमने? सारा जल बिखर गया। कान्हा बलराम रुको, कान्हा यहाँ गांव में एक बूंद जल नहीं है और तुम यहाँ जल व्यर्थ कर रहे हो। कान्हा, तुम्हें इस बात का दंड मिलेगा। हाँ, दंड मिलेगा। नंद जी, समझाइए अपने पुत्र को, हमारे पास जल नहीं है और वो हमारी मटकियाँ फोड़कर जल व्यर्थ कर रहा है। उसको इतना समझाने के बाद भी उसने दुस्साहस किया है, आप कान्हा को क्यों नहीं समझाते हो? कान्हा, क्या ये सत्य है पुत्र? बाबा, मैं सत्य कह रहा हूँ, उस जल में विष है। असत्य बोल रहा है कृष्णा, असत्य बोल रहा है। इसका तो काम ही है वृंदावन वासियों को भयभीत करना, उन्हें डराना, उन्हें तंग करना। किंतु एक बात ध्यान से सुनो, उस कुएं के जल में कोई विष नहीं है, इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। बीमा, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी योजना सफल हो जाएगी। अब ना गांववासी दुखी होकर नंद के पास पहुंचेंगे, नंद के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। फिर मैं इस समस्या का समाधान निकाल के गांव वालों के मध्य लोकप्रिय हो जाऊंगा। सारे के सारे गांववासी प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे अपना नया नंद स्वीकार कर लेंगे। भानु काका ने उस कुएं में विष मिलाया है। क्या? मैंने विष मिलाया है। हे राम, कैसे दिन आ गए, मैंने विष मिलाया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हे भगवान क्या हो रहा है ये? ऐसे संस्कार दिए हैं तुमने अपने पुत्र को नंद? है, मैंने विष मिलाया है। मैंने वृंदावन वासियों की भलाई के लिए एक बात कही तो मैंने ही विष मिला दिया। हे राम, क्या हो रहा है, ये कैसा समय आ गया है। किंतु भाइयों, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि उस कुएं के जल में विष नहीं है। और लड़के, मेरी बात ध्यान से सुन,
यदि मैंने ये सिद्ध कर दिया कि कुएं के जल में विष नहीं है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। बोलो, स्वीकार है चुनौती? हाँ, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दानु काका। अति उत्तम। दानु काका ने उस कुएं में विष मिलाया है। क्या? मैंने मैंने विष मिलाया है, मैंने विष मिलाया है। हे राम, कैसे दिन आ गए, मैंने विष मिलाया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हे भगवान क्या हो रहा है। ऐसे संस्कार दिए हैं तुमने अपने पुत्र को नंद है? मैंने विष मिलाया है। मैंने वृंदावनवासियों की भलाई के लिए एक बात कही तो मैंने ही विष मिला दिया। हे राम क्या हो रहा है, कैसा समय आ गया है। किंतु भाइयों, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि उस कुएं के जल में विष नहीं है। और लड़के, मेरी बात ध्यान से सुन। यदि मैंने ये सिद्ध कर दिया कि कुएं के जल में विष नहीं है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। बोलो, स्वीकार है चुनौती? हाँ, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दानु काका। अति उत्तम। अभी सिद्ध हो जाएगा कि कुएं के जल में विष मिला हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये आ गया है जल, कुएं से निकाला है। फिर कोई मत कहना कि जल कहीं और से लेकर आया हूं मैं। ये देखिए, आप सबके समक्ष में जल को पीऊंगा और देखिएगा मेरे को क्या होता है। देखा, मैंने जल ग्रहण किया किंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। यदि जल में विष होता तो मुझे कुछ ना कुछ अवश्य होता। होता कि नहीं भाइयों? अब बताओ, जल में विष है या नहीं है? वृंदावन के समीप जमुना के जितने भी जलाशय हैं, उन सभी जलाशयों का जल मैंने अपनी मायावी शक्ति से सुखा दिया है। और अब वृंदावनवासी हमारे जाल में फंस चुके। अति उत्तम गुरुदेव, अति उत्तम। बस एक कार्य और कर दीजिए, उस कुएं के जल में जो विष का प्रभाव है उसे भी नष्ट कर दीजिए। बस समस्या हमारे समक्ष केवल एक ही समस्या है, और वो समस्या है कृष्णा। अब देखो ना, वृंदावन वासियों को कृष्णा पे अटूट विश्वास है, इसी कारण हमारी हर योजना विफल हो जाती है। बस एक बार वृंदावन वासियों के समक्ष ये कृष्णा असत्य सिद्ध हो जाए, उसके बाद हम अपनी योजना का अगला चरण बहुत सरलता से पार कर सकते हैं। देखा खाना, तुमने हम सबको कितना भयभीत कर दिया था। पुत्र, कितने बार समझाया तुझे कि असत्य बोलकर इस तरह किसी का परिहास करना अच्छी बात नहीं होती है। पुत्र, अभी कब समझेगा तू?
भीमा, कृष्णा ने हमारी बात सुन ली है। अब हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। कृष्णा तू तो फंसा, और फंसा ही नहीं बहुत बुरा फंसा। मुझ पर आरोप लगाते हो है? हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। पता चल गया ना भाइयों कौन सत्य बोल रहा था और कौन असत्य बोल रहा था। नंद जी ये हो सकता है कि कुएं में विष नहीं है, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि फिर ये विष फैला कैसे। हमें हमारे लोगों को बचाना होगा नंद जी। आप चिंता मत कीजिए, इसका उपचार है मेरे पास। भाइयों मेरे पास एक औषधि है जिसको मैं मथुरा के सुप्रसिद्ध वैद्याचार्य से लेकर आया हूँ। इस औषधि को लेने के पश्चात सारे के सारे गांव वासियों के प्राण बच जाएंगे। ये मैं आप सबके लिए ही लेकर आया हूँ भाइयों। आप तो जानते हैं ना कि मुझे वृंदावन की कितनी चिंता है। दाऊ इस बार दानू काका बहुत ही बड़ी चाल चल रहे हैं। दाऊ मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कुएं का विषाक्त जल पीने के बाद ही लोगों के प्राणों पर संकट छाया है। हाँ गानम सो तो है, दानू काका वृंदावन वासियों की भलाई कभी नहीं चाहेंगे। किंतु कान्हा हम ये सिद्ध कैसे करें कि दानू काका इस जल की बात छिपा रहे हैं, और साथ ही हमें कल देर निकलने से पहले वृंदावन वासियों से वो विष का प्रभाव निकलना ही होगा। इस औषधि का चमत्कार देखना, यह औषधि पीते ही सबके सब ठीक हो जाएंगे, देख लेना। राधा पुत्री तुम इस औषधि से स्वस्थ हो जाओगी। सुदामा मेरी सुदामा ने आंखें खोल दी। हम सब ठीक हो गए। अरे ये देखो ठीक हो गया। ये देखो मैंने कहा था ना ये औषधि पीते ही सबके सब ठीक हो जाएंगे। हो गए ना सब ठीक। धन्यवाद साहूकार भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हम बहुत आभारी हैं साहूकार जी, आपने हमें जो नया जीवन दिया है। नहीं 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 नहीं, आभार प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो मुझे वृंदावन के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि कुएं के जल में कोई विष नहीं है। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये कृष्णा असत्य बोल रहा है। इसकी बातों पर मत जाइए, आप कुएं से जल ग्रहण कर सकते हैं, समझ गए? अपने घर में प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। असत्य बोल रहा है ये कृष्णा। यहाँ तो विष का कोई संकेत ही नहीं दिख रहा। मैंने उस कुएं से विष का प्रभाव समाप्त कर दिया है, और अब वो कृष्णा कभी भी नहीं जान पाएगा कि उस कुएं में विष आया कहां से।
आनंद, घोर आनंद, घन घोर आनंद आ गया गुरुदेव। हे नाग देवता, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे नागराज कालिया महाराज, हम सब सपेरों पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। तुम सभी सपेरा जाति के व्यक्ति हमारी पूजा करते हो, हमें पालते हो, अतः तुम सभी सुरक्षित हो। किंतु तुम लोगों को छोड़कर जो भी मेरे क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो नहीं बचेगा। काना, अब हमें क्या करना है? जाओ, अब हमारे पास मात्र एक ही मार्ग है। यमुना के तट पर हलचल कैसी? कान्हा के कारण ही ये कुएं का जल विषैला हो गया था ना, अतः ये उसी का परिणाम है। ये जल स्रोत हमारे लिए ईश्वर से कम नहीं है। इनका अपमान होने से ये भी सूख जाते हैं। कल रात्रि को तो कान्हा को कुएं में उतरते हुए देखा था, ये सब कान्हा ने किया है। देखिए, अब कान्हा ने जो किया सो किया, किंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, यमुना सिर्फ हमारे गांव के तट पर सूखी है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक जल स्रोत और है, आप सब वहाँ से जल ले सकते हैं। चलिए, मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। हमें चलना चाहिए। यदि इस जलाशय में जल रहा तो हम सबकी जल संकट समाप्त हो जाएगी। ये बीन की ध्वनि कहां से आ रही है? ये ध्वनि तो धीरे धीरे कर्कश और अशांत करने वाली है। हाँ बहन, इस ध्वनि से मेरे भी कान फटे जा रहे हैं। रुको! तुम सब लोग वहां नहीं जा सकते। वो क्षेत्र मात्र हमारा है। अगर वहां जाने का दुस्साहस किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है।
चूहों को क्यों बुलाया है? क्योंकि दाऊ, अब ये चूहे ही हमें बताएंगे कि ये संकट क्यों आया है और कहां से आया है। ये तो एक भयावह नाग है।